नाउ वी विल स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशंस होता है देखिए। एक आपका जैसे इस प्रॉब्लम में आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मली इस टाइप का भी प्रॉब्लम पूछा जाता है और हर एक साल लगभग एक क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाता है आपको एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है कि वी हैव टू शो दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, मीन्स एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 2m एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी 2m प्लस 1। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा। सो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं एक कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट एन बी एनी नंबर ओके। सो हियर इफ वी डिवाइड एन बाय, ठीक है, अगर एन को हम डिवाइड करते हैं बाय टू से, सो हियर अप्लाइंग डिविजन लेमा लेमा टू एन एंड टू, अगर टू से हम डिवाइड करेंगे एन एंड टू, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हमारा हो गया डिवाइजर और सपोज एम इज योर क्वेश्चन, ठीक है, या क्यू ही लिख देते हैं, बाद में हम एम के फॉर्म में कर लेंगे, टू इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं तो दो बार क्यों करें, एम ही ले लो आप इसे, टू इंटू एम, एम इज योर, आप यहां लिख लो एम इज योर क्वेश्चन, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन, किससे लेस देन होना चाहिए, डिवाइजर से, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे लेस देन होना चाहिए रिमाइंडर, सो इट शुड बी लेस देन टू। अब देखो यहाँ पर टू एम प्लस आर, अब आर की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी, ठीक है, या तो जीरो या तो वन, इंटीजर ही है सब, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, हियर एम इज इक्वल टू क्वेश्चन, अब देखो एन इक्वल टू टू एम प्लस आर, तो केस वन आपकी हो जाएगी इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन एन विल बी इक्वल टू टू एम। ओके, आर इक्वल टू जीरो तो एन इक्वल टू टू एम हो गई, विच इज क्लियरली क्लियरली एन इवन नंबर, एन इवन पॉजिटिव इंटीजर वी कैन राइट, इवन पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड केस हमारी हो जाती है केस टू, इफ आर इज इक्वल टू वन, सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एन विल बिकम टू एम प्लस वन। अब आप देखो एम हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो टू एम विल बी इवन, टू एम विल बी इवन यस और उसमें अगर वन हम ऐड कर देते हैं सो दैट विल बिकम ऑड, सो वी कैन राइट, यस यस ठीक है, क्लियरली टू एम इज इवन, सो एन इक्वल टू टू एम प्लस वन विल बी ऑड, ठीक है, हेंस जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई है पूरा आपको लिख देनी है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू एम एंड एवरी निगेटिव एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा, ये टू एम प्लस वन, वन
है, जो भी स्टेटमेंट है बस उसे हमने लिख दिया और कुछ नहीं किया। कोई डाउट यहाँ? नो सर, नो डाउट। सेम ऐसे ही सभी प्रॉब्लम इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करने हैं, सेम प्रोसेस जो जैसे इसमें है वैसे ही फॉलो करने हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। देखो यहाँ पर क्या है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q। अब आपको हमेशा यहाँ ध्यान देना है, जैसे 3 3 3 आप देख रहे हो ना, मतलब कि यहाँ पर मेरी डिवाइजर 3 होगी, ठीक है, आप ये नोट कर लेना, 3 3 3 देखो सभी जगह है, इसका मतलब कि मेरा डिवाइजर 3 होगा। बाकी प्रोसेस सेम है, आप एज्यूम कर लो लेट लेट एन बी एनी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, सो वी विल राइट एन बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ओके, सो इफ हेयर आपका एन हो गया हमारा डिविडेंड, सो डायरेक्ट लिख देते हैं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा, टू एन एंड थ्री, एन एंड थ्री व्हाट वी गेट, एन इक्वल टू, ठीक है, एन इक्वल टू 3 टाइम्स q, हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, 3 टाइम्स q प्लस r, r इज योर रिमाइंडर। अब देखो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द डिवाइजर दैट इज 3। अब यहाँ 3 केस हमारा हो गया, ठीक है, 3 केस हो जाएगा, केस यस। वन। अच्छा एक बात बताओ, 3q प्लस r, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर चाहिए, राइट, n हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, तो यस सर। n कैन बी व्हाट, n पॉसिबिलिटी आर n इक्वल टू 3q, अगर 0 हो गया, और थ्री n क्यू इक्वल प्लस वन टू 3q प्लस 1, और एंड थ्री n क्यू प्लस इक्वल टू टू 3q प्लस 2, ठीक है, 3q प्लस 1, यस 3q प्लस 2, ओके, आई थिंक यहाँ मैंने इवन गलती से लिख दिया है, क्वेश्चन में इवन नहीं होगा, ठीक यस सर, ऑड होगा। यस है, नहीं, इवन प्लस या ऑड कुछ भी हो सकता है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ओनली होगा, ठीक है, नहीं इवन सर, यहाँ तो यस, देखो अगर आप, सर इवन होगा तो थ्री हाँ क्यू प्लस टू होना चाहिए ना सर। 3q+2, 3q+4। देखो ना 3q प्लस 2 है ना, तो सर 3q+1 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऑड नहीं है, अरे इवन नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो ये आपका अगर ऑड हुआ, सपोज दिस इज ऑड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यस आपका, सर। ये क्या हो जाएगा, इवन होगा, वन अगर नो सर, ऐड, ऑड हो। वन ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, एंड दिस इज अगेन इफ 3q इज ऑड तो +2 करेंगे तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही आप लिख लो, ठीक है, ओके सर। चलो पॉजिटिव इंटीजर होगा सिर्फ, सो इट इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर। वैसे मैं एक बार प्रॉब्लम फिर से चेक कर लूंगा बुक में, ठीक है, क्योंकि देखो कंटिन्यूअस है तीनों, तो अगर एक आपका क्या बोलते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो दूसरा ऑड होगा, थर्ड वाला फिर इवन होगा, राइट, यस सर, ओके, आई थिंक सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में है तो यस सर, बुक यस। बुक देख लो आप, अगर होगा उसमें तो देख लो आप, केस ओके वन, सर। ठीक है, केस वन हम ले लेते हैं, इफ एन इक्वल टू 3q, ओके, एन इज इक्वल टू 3q, यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ केस लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देखो ना एक्सप्रेस हो गया है, उसी फॉर्म में ही आ गया है, यहाँ अलग से हम नहीं लिखेंगे, तो क्लियरली क्लियरली इफ एन इज
पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 3 क्यूब के फॉर्म में हो सकता है या 3 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। डायरेक्ट उसे ही हम लिख देते हैं, 3 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में हो सकता है फॉर सम इंटीजर क्यूब। मिला अजीब? नहीं सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है दिस टाइम। पॉजिटिव इवन है नहीं या सिर्फ पॉजिटिव है? सर, ऐसा क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में है, बट ये सर सेम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है, नहीं सर। एनसीईआरटी में नहीं है तो कहां से मैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है यार, मैं देख लिया ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ओके इंटीजर सर। है। चलो, ये गलती से एक्चुअली क्या हुआ था ना कि दूसरा प्रॉब्लम का कॉपी किया होगा और वहां इवन छूट गया। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। चलो, सिर्फ पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ आपको देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ देखो, एवरी ऑड इंटीजर, यहाँ पर आपको ऑड है और यहाँ देख के भी आपको पता चलेगा कि 4Q+1 ऑड है एंड 4Q+3 विल बी यस सर, ऑड, ठीक है, और यहाँ है। पर यस आपका सर, होगा। चलो, तो ये आप लोग ट्राई करो, आप बताओ कैसे एक्सप्रेस करोगे। पूरा डिटेल में नहीं, आप सिर्फ एन इक्वल टू वैसे करके बता देना, आप लोग देख लो एक बार सॉल्व करके। ओके सर, एन इक्वल टू 4Q+R। एन इक्वल टू हमारा डिवाइजर अगर 4 है, सो 4Q+R, ठीक है, आर यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 4। अब यहाँ ओके देखो, हमारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, सो एन कैन बी 4। 4Q+1, 4Q+2 4Q+2 एंड 4Q+3। यस बट एज एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव यस इंटीजर, देयरफॉर हमारा एन जो है, एन कैन नॉट बी इक्वल टू 4Q, ठीक है, ये तो इवन है 4Q, क्यू सर। एक यस सर, इंटीजर है, राइट, क्यू एक इंटीजर है और उसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी इवन, ठीक है। सिमिलरली एन कैन नॉट बी इक्वल टू 4Q+2, 4Q+2 ओके, सो ओनली पॉसिबिलिटीज आर पहला तो आपका हो जाएगा 4Q+1 एंड सेकेंड वन इज 4Q+3। प्लस 3। हेंस जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उसे ही नोट डाउन कर देते हैं। हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q+1 और 4Q+3 फॉर सम इंटीजर क्यों। ठीक है, कोई डाउट है यस यहाँ? सर, नो सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहां पर देखो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। चलो, आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। n आप ले लेना एक आर्बिट्रेरी इंटीजर, उसे फिर एक्सप्रेस कर देना आप स्क्वायर के फॉर्म में। यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, हमारा डिवाइजर क्या होगा? सर 3। हाँ, वेरी गुड, 3 ही हमें डिवाइजर लेने हैं।
प्रीसा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो वेरी गुड। आप लोग का होमवर्क रहेगा आज का एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है ना वो रहेगी होमवर्क। सर वही फॉर्म में ले लेंगे, 3Q फिर 3Q+1 फिर 3Q+2 के फॉर्म में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नहीं सर बोथ साइड नहीं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ही नहीं सर। बोथ साइड्स रहेगा ना, एन एन इक्वल टू जब आ रहा है आपका एक इक्वेशन के हाँ सर फॉर्म हाँ में तो बोथ साइड्स तो होगा एन ही। यस सर एन इक्वल टू 3Q। हाँ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एन इक्वल टू, ठीक है तो यहाँ ऑन डिवाइडिंग हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑन डिवाइडिंग एन बाय 3 लेट क्यू बी क्वेश्चेंट एंड आर इज द रिमाइंडर। ठीक है यही होगा। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन राइट एन इक्वल टू 3Q+R। अब यहाँ R आपने बोला R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, राइट? 3 से लेस यस होगा मीन्स 0, 1 एंड 2, 3 पॉसिबिलिटी आर देयर। ओके अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे जैसा आपने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर एन स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3Q+R का स्क्वायर। ठीक है सो दिस विल बिकम एन स्क्वायर इक्वल टू 9Q² प्लस 6 टाइम्स Q R+R² ठीक है। और R की वैल्यू तो हमारी वही रह जाएगी 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है 3 में इक्वालिटी यस होल्ड नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 केस आ जाएंगे, केस 1 If R is equal to 0, तो क्या हो जाएगा हमारा n square equal to 9 times Q² यस सर। ठीक है बाकी दोनों टर्म हमारे 0 हो जाएंगे। एंड कैन वी राइट दिस एज 3 times 3Q² यस सर। ठीक है तो यहाँ अब यहाँ देखो आप, सो n square equal to 3m। अब m तो हमारा इंटीजर ही होगा, देखो q हमारा इंटीजर है, q yes, एक इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर इज इंटीजर। यस सर यस। ओके एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट स्क्वायर ऑफ इंटीजर बाय 3 देन अगेन इट विल बी एन इंटीजर। सो m इज एन एलिमेंट ऑफ z, z मतलब कि इंटीजर हो गया, ठीक है। एंड सॉरी m इक्वल टू कर देते हैं, m इक्वल टू 3Q² ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको, 3Q² एंड दिस इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है सो ये पहला फॉर्म हो गया। सेकेंड केस टू हम ले लेते हैं, अगर r हमारा 1 होता है, इफ r इक्वल टू 1
तो यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 टाइम्स q² + 6q + 1। अब यहाँ देखो, हमें ये भी देखते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि मतलब बंद आंख करके इसको सिंप्लीफाई करते चले गए या किसी भी फॉर्म में लिख दिया। हमें ऊपर देखना है कि किस फॉर्म में लाना है। तो 3m + 1 बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3q² + 2q, एंड 1 आप बाहर छोड़ दो। देखो ये अगेन एक यस इंटीजर होगा, क्योंकि थ्री यस क्यू यस स्क्वायर इंटीजर है, 2q भी इंटीजर है। सो ये अगेन हमारा इंटीजर हो गया। सो वी कैन राइट दिस एज 3m + 1, वेयर m इक्वल टू 3q² + 2q। ठीक है, इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। नेक्स्ट हमारा केस 3, दिस इज द लास्ट केस। इफ आर इक्वल टू 2, तो एन स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9q² + 6 × 2, दैट इज 12q, और लास्ट हमारा हो गया r² = 4। ठीक है, अब यहां भी हमें क्योंकि 3m वाले टर्म में करना है प्रूफ, तो 3 आप ले लो यहाँ कॉमन। सो दिस विल बी 9q² + 4q, सॉरी दिस इज 3q², 3 तो हमने कॉमन ले लिया। सो 3q² + 4q + 1। अब देखो 3 × 1 3 होता है, तो 1 हमारा स्टिल एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 3m + 1, देख रहे हो आप, वेयर यस यहां पर भी यस हमारा सर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q² + 4q + 1। +4 प्रीसा, आपका m यहाँ इंटीजर है कि नहीं है? प्रीसा वेदर m इज एन इंटीजर हियर? यस सर इट इज ओके वेरी गुड, सो दिस विल बी एन एलिमेंट ऑफ z। चलो हेंस उसके बाद तो हमें बस जो स्टेटमेंट गिवन है उसी को लिख देनी है। हेंस द यस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फोर सम फोर, m इज एन एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, कोई डाउट? नो सर चलो नो सर पुलकित आपको, नो सर चलो कोई डाउट होगा आप पूछ लेना। चलो यहीं तक अभी रहने देते हैं आज। तो यहाँ ये आपको क्या करना है, होमवर्क आपको नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, जो डाउट होगा आप अगले क्लास में पूछ लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, और हम लोग एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करेंगे यहाँ। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आपका, 5 क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, कोई भी डाउट होगा आप अगले क्लास में पूछ लेना। और ये नोट्स मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तीनों आप लोग ग्रुप में हो ना, तीनों हाँ लोग हो? सर यस अजीत आप, पुलकित पुलकित आप भी हो?